सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय ऐसे ऐसे को आधा पढ़ा था। आज हम लोग अध्याय ऐसे ऐसे को आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। धन कहते हैं कि समय की गति बड़ी निराली होती है। समय की गति किस दिशा में चलती है कोई नहीं जानता, इसीलिए हमें अपने समय को, गति को और अपने उज्जवल भविष्य के लिए धन का संचय करते रहना चाहिए। आइए अब हम लोग अपने अध्याय 8 ऐसे ऐसे से, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, इस एकांकी को पढ़ते हैं और समझते हैं। वैद्य जी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्य जी आते हैं और मोहन को दवाई देते हैं। मोहन की माँ और पापा बड़ा परेशान रहते हैं मोहन की तबीयत देख के। आगे क्या होता है एकांकी में पढ़ते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। वैद्य जी ने मोहन के पापा से थोड़ा प्रेम भाव दिखाते हुए अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता। डॉक्टर फिर बोलते हैं, पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। जीभ, मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है। ऐसे ऐसे, मोहन बोलता नहीं है, सिर्फ कराह की आवाज में इशारा करता है। माँ अपने मोहन से कहती है, बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियाँ भीजता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब लगती है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, या तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई दर्द तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ थोड़ा काँप कर और घबरा कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वाह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। मोहन के पिताजी अपनी जेब से 10 रुपये निकालते हैं और डॉक्टर को देते हैं। माँ डॉक्टर से पूछती है, सेक दूँ तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, मोहन की माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है जाने वहाँ, ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नई नया दर्द होगा। राम मारी, बीमारियाँ ने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मंच पर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई।
पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ थोड़ा मायूस होके बोलती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ मास्टर साहब से कहती है, मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। ये सारा कार्य एक मंच पे हो रहा है, क्योंकि यह मंच क्या है, यह अध्याय क्या हमारे लिए एकांकी। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीना नाता वाले कर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो कुछ बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, पिता से देखा जी आपने? मोहन की माँ उसके पिताजी से कहती हैं। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है? पिता, होए भगवान। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चुकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है, सभी हंसते हैं और मंच का पर्दा गिर जाता है। यह एकांकी ऐसे उस बच्चे के पर आधारित है, जो पढ़ने में कामचोरी दिखाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जब पढ़ाई मन नहीं लगता है, जब इस क्लास में, इस कक्षा में उनके अध्यापक उनको मारते हैं, दंड देते हैं, उस दंड के बचने के लिए घर में ये बीमारी का तमाशा करते हैं और अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी एकांकी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगले अगले वीडियो में हम लोग अब प्रश्न और उत्तर करेंगे इसके, तब तक के लिए धन्यवाद।